नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमयी टाइम्स में। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सृष्टि पांडे। खबरों को जानेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। श्रीलंकाई नौसेना ने 24 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, 5 नावों को भी किया जब्त। एलन मस्क ने लगाया बड़ा आरोप, एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाने की दी धमकी। रेलवे स्टेशन पर सफाई अभियान चलाकर किया अनोखा प्रदर्शन, बंद यात्री ट्रेन चालू करने की मांग। जानेंगे खबरों को विस्तार से। श्रीलंकाई नौसेना ने देश के जल क्षेत्र में कथित रूप से अवैध शिकार करने के आरोप में 24 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है और उनकी 5 नावों को भी जब्त कर लिया है, जिसकी जानकारी आज दी गई। बयान में कहा गया कि उत्तरी जाफना प्रायद्वीप के करय नगर के तट पर नौसेना और श्रीलंका तटरक्षक बल ने एक संयुक्त अभियान में सोमवार शाम मछुआरों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से उन्हें कांके सथुराई बंदरगाह पर लाया गया और आगे की कार्यवाही के लिए मछली पकड़ने के लिए निरीक्षणालय को सौंप दिया गया। श्रीलंकाई नौसेना ने कहा कि अब इस साल तक कुल 252 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अवैध शिकार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मछुआरों का मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में एक विवादास्पद मुद्दा है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने जब से ट्विटर को खरीदा है, तब से आए दिन कोई ना कोई नया विवाद सामने आ रहा है। इस बार जो मामला है वो आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को लेकर है। दरअसल एलन मस्क ने आरोप लगाते हुए कहा कि एप्पल ने अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाने की धमकी दी है। मस्क ने कहा कि एप्पल ट्विटर को ब्लॉक करने के लिए हर तरह से दबाव डाल रहा है, यहाँ तक कि आईफोन निर्माता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन भी देना बंद कर दिया है। इसी के तहत उसने गैप और पार्लर जैसे ऐप्स को हटा दिया है। इसी के साथ मस्क ने एक ट्वीट में एप्पल ऐप स्टोर से दूसरे ऐप को डाउनलोड करने पर ली जाने वाली फीस को लेकर भी आलोचना की है। मस्क ने लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि एप्पल अपने ऐप स्टोर के माध्यम से खरीदी जाने वाली हर चीज पर गुप्त रूप से 30% टैक्स लगाता है। छत्तीसगढ़ कोरबा जिले के अंतिम छोर पर स्थित गेवरा रोड रेलवे स्टेशन में कोरोना काल के बाद से आज तक एक भी यात्री ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं किया गया है, जिस वजह से गेवरा रोड से यात्रा करने वाले रेल यात्री बेहद परेशान हैं। इसी परेशानी को समझते हुए विकास नगर कुसमुंडा के व्यापारियों ने रेल प्रबंधन की नींद को तोड़ने स्टेशन परिसर में साफ सफाई का अभियान चलाया, जिसके तहत स्टेशन के टिकट काउंटर, प्लेटफॉर्म तथा यात्रियों के बैठने की कुर्सियों को गीले कपड़े और झाड़ू लगाकर साफ किया। करीब घंटे भर की साफ सफाई के बाद व्यापारियों ने बिलासपुर DRM के नाम पर पत्र गेवरा रोड स्टेशन मास्टर को सौंपा, जिसमें उन्होंने गेवरा रोड से यात्री ट्रेन शुरू करने के लिए आग्रह किया। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।